गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6B, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 10 -4 - 3 +8 - 6। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सबसे छोटी ब्रैकेट इनमें कौन सी है? ये स्मॉल ब्रैकेट। इसको सॉल्व करिए, 8 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो आंसर कितना आएगा? 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू 2 आई है तो ये ब्रैकेट ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगाइए। ये 3 लिखिए और 3 का साइन लगाइए माइनस, और ये लिखिए 4। अब ये कर्ली ब्रैकेट आप लगा दीजिए। ओके, माइनस ये हुआ 10 और ये 4 और ये वाला प्लस। ओके, अभी हमने क्या किया, सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट को भी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रफ वर्क हम यहाँ करेंगे, इतना याद रखिए। यहाँ क्या करेंगे, रफ वर्क। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए रूल हमारा वही रहेगा, बॉड मास। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है नहीं, हटाइए इसको। फिर ऑफ भी नहीं, डिवाइड भी नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं है, क्या है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व करते हैं और दूसरे नंबर पर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन नंबर ऐड हो रहा है, तो 4 में कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 2, क्योंकि 4 भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, तो 4 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से कितना माइनस कर देना है हमको, 3 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर माइनस करिए 3, तो आंसर कितना आएगा, 6 - 3 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का आंसर कितना आया है, और बाकी जो भी जैसे लिखा हुआ है वो हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर आंसर आया है 3। ठीक है, 3 आंसर आया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इस समय इस 3 का साइन क्या है, प्लस। इस समय कौन सा साइन है, प्लस है। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। इस बात को याद रखिएगा, ये रूल होता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 - 3। यहाँ पर आप लिखेंगे 10, ये माइनस, ये 3। ये समझ में आ गया कि ये यहाँ पे कौन सा रूल लगा, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो इस माइनस ने इस वाले प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये प्लस वाला 3 क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 10 में से 3 को माइनस करना है। उससे पहले हम ये पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं सेम टू सेम। अब इसका आंसर कितना आएगा, देखो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। इस वाली ब्रैकेट का आंसर आया 7। इससे पहले कौन सा साइन लगा है, प्लस, और यहाँ क्या है, 4। तो 4 में 7 को ऐड कर दीजिए, कितना आया आंसर, 11 आया। ओके, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला कौन सा था, सेम, बॉड मास ही आपको लगाना है। और कुछ आपको एथिक्स पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, कि जैसे ये वाला रूल मैंने आपको बताया है ना, इसके 2 रूल और होते हैं। कौन सा, देखिए एक तो यही कि माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, अगर इस तरीके से आता है, और माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा, और तीसरा आपका प्लस प्लस, ये हमेशा प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, ये 3 रूल आप याद रखिए। ओके, समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मैथ लगाइए, किसी भी प्रकार की मैथ लगाइए, आपको ये बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ओके, इसको लर्न कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 125 - 75 + 4 × 25 - 2 × 25 ब्रैकेट क्लोज। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करना है, बॉड मास हमको लगाना है। ओके, चाहे ब्रैकेट के अंदर हो या बाहर हो, हमको बॉड मास से ही चलना है। ठीक है, तो ये आया 125 माइनस, सबसे पहले हम कौन सी ब्रैकेट करेंगे सॉल्व, ये छोटी वाली, बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 75 प्लस। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए 4 की मल्टीप्लाई 25 से। रफ वर्क करने के लिए इधर एक लाइन खींचते हैं, रफ कभी भी पीछे नहीं करते हैं। तो ये है 25 की मल्टीप्लाई कराइए 4 से, तो ये आंसर आएगा 100। तो इसका आंसर कितना आया आपका, 100, और ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराइए 25 से, तो इसका आंसर आएगा 50। तो इसका आंसर आ गया आपका 50। ठीक है, अब 100 में से 50 आपको माइनस करना है, तो हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 100 में से 50 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50। ओके, कैसे, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0, अब ये तो 0 है, 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से इसको एक कैरी दिया। ओके, इसको कैरी दिया तो यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। ओके, और ये 1 की जगह कितना हो गया, 0, तो वो 0 हो गया। ठीक है, ये आंसर कितना है, 50 आया। तो इसका आंसर आ गया है 50, तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देंगे। इस ब्रैकेट का कितना आंसर आया है, 50, हमने इस ब्रैकेट का आंसर यहाँ लिख दिया 50। अब ये ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ प्लस और ये है 75। बाकी सब पूरा क्वेश्चन हम वैसे ही उतारेंगे, ये माइनस और ये 125।
जो भी ब्रैकेट जैसे ही उसका आंसर आएगा वो वैसे ही ओपन होती जाएगी। ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हो गई। अब क्या करना, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 75 और 50 को ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा देखो, 5 और 75 12, 125 इसका आंसर आया है। 125 आंसर आ गया तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। इससे पहले साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और ये है 125, ये वाला यहाँ उतार लिया। आपको 125 में से 125 माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 20 × 8 डिवाइड बाई 10 ऑफ 4। ओके, सेम रूल है, हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है बॉड मास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 20 × 8, 8 की मल्टीप्लाई 20 से कराएंगे तो आंसर क्या आएगा। अगर आपको 20 की टेबल पता है तो आप 8 टाइम पढ़िए और लिख दीजिए। तो 28 जो होता है 160। ओके, 28 जो 160 और ये 10 ऑफ 4, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10 × 4। ओके, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, तो यहाँ हो जाएगा 160 और ये डिवाइड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10 × 4 = 40। ओके, अब 40 से आप 160 को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 40 की टेबल पढ़िए 160 आ जाए। 40 की टेबल आपको आती नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करके पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 41 = 40, 42 = 80, 43 = 120 एंड 44 = 160। फोर टाइम्स गया तो 44 = 160। ओके, क्लियर। तो कितनी बार जाएगा, इसका आंसर क्या है, 4 आया। कहाँ से लिखा है आपने, ये लिखा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7+, ये कर्ली ब्रैकेट है, 7+ ब्रैकेट में 5 × 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 12+6 ऑफ 3। ओके, रूल हमारा वही रहेगा, कौन सा, बॉड मास। ओके, बॉड मास में ब्रैकेट है, ये है ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 × 3 = 15, यहाँ लिखिए 15, ये प्लस, ये 7। ओके, ये हमने कर ली ब्रैकेट लिखी और बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे, 6 ऑफ 3, बाकी हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब 15 में आप 7 ऐड करिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 22। ओके, तो इस ब्रैकेट का आंसर कितना आया है, इस ब्रैकेट का आंसर आया है 22। बाकी क्वेश्चन वैसे लिखे, माइनस 12 और प्लस। अब देखिए ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, अब क्या सॉल्व करना है हमको, ऑफ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऑफ है, 6 ऑफ 3, यानी कि 6, ये है 6 है ना, प्लस 6 और ये ऑफ है, ऑफ चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 3 को 3 की लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने ऑफ भी सॉल्व कर लिया, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, डिवाइड है ही नहीं तो इसको काट दीजिए। फिर क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ, इन दोनों के बीच है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 − 12 + 6 की टेबल 3 टाइम पढ़िए, 18। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 12 जो है माइनस का, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, वही बाद में करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमेशा हम बाद में ही करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करिए, 18 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 × 10, यहाँ पर 1 कैरी आ गया, और 1 × 2 × 4 ये हो गया 40, यहाँ लिखिए 40 − 12। ओके, अब आप 40 में से 12 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 40 इसमें से 12 आप माइनस करिए, तो 10 − 2 हुआ 8 एंड 3 − 1 हुआ 2, ये आंसर आ गया 28। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 100+30 − 5 × 2 ब्रैकेट क्लोज, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर ली ब्रैकेट बंद करना, ये भूल गए हैं, ये देखिए ये कर ली ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर भूल गए हैं, ये × 15। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सेम रूल, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बॉड मास। ओके, बॉड मास लगाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सबसे छोटी ब्रैकेट यहाँ का ये है। ठीक है, तो 5 × 2 = 10। ओके, यहाँ लिखेंगे 10, बाकी का क्वेश्चन वैसे, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ 30 है तो 30, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये बिग ब्रैकेट और ये प्लस, ये 100 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज और ये इंटू और ये 15। ओके, अब सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी, ये कर्ली वाली, तो 30 में से 10 को माइनस करिए, आंसर कितना आएगा, 20। ये हमने 20 लिखा और ये प्लस, ये 100, ये बिग ब्रैकेट क्लोज और ये 15 और ये इक्वल, इक्वल आपको हर बार में लगाना है। अभी देखो इसका आंसर आ गया तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो 100 में आपको कितना ऐड करना है, 20, तो 100 में 20 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 120, ये आ गया बिग ब्रैकेट में। ओके, ये बिग ब्रैकेट का आंसर था, इसकी मल्टीप्लाई करानी है 15 से, रफ में करा लीजिए, तो 120 × 15 की मल्टीप्लाई 0 से, 15 × 0 = 0, 15 × 2 = 30, 30 का 0 कैरी आ गया 3, और 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 18। ओके, इसका आंसर कितना आया, 1800। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो फैक्ट है वो क्या है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, टेबल सभी के लिए मैंने कहा है कि कंपलसरी है 20 तक। क्वेश्चन नंबर 6, 4/9 + 7/9 × 2 whole and 1/4 इक्वल्स टू, देखिए तो फ्रैक्शन का जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है ना,
तो इनका जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज जोड़ लिया जाएगा और हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट कर देना है। देखिए सबसे पहले यही काम करते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि बॉडमॉस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करिए। यहाँ पर दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ लिखिए 9, ऊपर वालों को नॉर्मली ऐड करेंगे यानी कि 4 + 7। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 2 8, 8 + 1 9, और 9 / 4 इसको इंटू में रखेंगे, इसको ऐड करिए कितना हुआ, 4 + 7 कितना हुआ, 11 / 9 इंटू 9 / 4। अब जो इसकी टेबल जिसमें लग जाएगी उससे उसे डिवाइड कर देंगे, जैसे 9 1 9 एंड 9 1 9। ओके, अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वालों के ऊपर नीचे वालों के नीचे, 11 1 11 एंड 4 1 4, ये आपका आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 3/8 डिवाइड बाई 1 होल एंड 7/8 माइनस 4/3। ओके, हमको इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास हमको ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी का क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। 3/8 डिवाइड बाई, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 8 एंड +7, तो 8 + 7 कितना हुआ, 15, यहाँ लिखेंगे 15/8, बाकी वैसे ही रहेगा -4/3। ओके, इसको सॉल्व करना मैंने अभी आपको बताया है दोबारा से। 3/8 डिवाइड बाई 15, देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में सेम था, डिफरेंट होने पर हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 8 3 जा कितना हुआ, 24। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में, तो 15 3 जा 45 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में, 8 4 जा 32। ओके, माइनस करिए इसको, कितना होगा, 3/8 डिवाइड बाई, यहाँ माइनस करेंगे हम नॉर्मली, तो 5 - 2 आंसर आया 3 एंड 4 - 3 आंसर आया 1। ओके, 13/24 ये सॉल्व हो गया, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब ये हमने डिवाइड सॉल्व करना भी आपको बताया, तो पहला नंबर तो सेम रहता है और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसको पलट देते हैं यानी कि 24 ऊपर और 13 नीचे। ओके, अब 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, अब कोई किसी से नहीं डिवाइड हो रहा तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 25 डिवाइड बाई 1 + 8 + 7 होल एंड 1/3 + 8 2/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। इसमें सबसे छोटी ब्रैकेट यह है स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, 3 7 जा 21 एंड 1 22, ये हो गया 22 और अपॉन में ये डिनोमिनेटर 3। ओके, ये प्लस ये 8 3 जा 24 एंड 2 26/3। ओके, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, बाकी जो भी जैसा भी क्वेश्चन है उसको वैसा ही कॉपी कर देंगे। ओके, ये डिवाइड बाई 25। आगे यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है और न्यूमरेटर को नॉर्मली ऐड कर देना है। तो ऐड करिए, 6 + 2 कितना हुआ, 8 एंड 2 + 2 कितना हुआ, 4, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 14। तो अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसे ओपन कर देंगे। यह 8, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे 1, तो यहाँ लगाएंगे ये वाला प्लस और ये 8/1। ओके, अब ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं कर्ली ब्रैकेट में, बाकी पूरा क्वेश्चन हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन को हमने कॉपी कर लिया है, अब आगे देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए हमने जो ट्रिक बताई है, पहले तो एक लंबी लाइन खींचेंगे, इनकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ गया 3, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कराइए, 8 3 जा 24 प्लस 48 1 जा 48 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज एंड 25 डिवाइड बाई 1 प्लस, ये देखिए इसको ऐड करिए, 8 4 12 1 कैरी 5 × 7 72/3। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए ये 3 से आप 72 को डिवाइड करके देखिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो 3 2 जा 6 1 आया, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 3 4 जा 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आंसर कितना है 24। तो इस फ्रैक्शन की जगह हम कितना रख देंगे, 24 रख देंगे, यानी कि यहाँ का 1 + 24। ओके, यहाँ देखिए 25 डिवाइड बाई 24 + 1 कितना हुआ, 25। ओके, तो 25 से आप 25 को डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, ये आपका आंसर है। 5 होल एंड 1/2 माइनस 2/5 × 5/6 प्लस 7 डिवाइड बाई 1 होल एंड 3/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, ये स्मॉल ब्रैकेट, इसी को हम सॉल्व करेंगे, करते हैं 2/5 × 5/6 प्लस, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह 7 डिवाइड बाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7/4। इसको सॉल्व करेंगे, 5 होल एंड 1/2 माइनस, यहाँ देखिए
टू अपॉइंट फाइव इंटू फाइव अपॉइंट सिक्स, ये सब ऐसे ही कॉपी करते रहेंगे। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा सेवन, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और सेवन के अपॉन में कुछ नहीं तो हम वन मान लेंगे, और ये जैसे ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हुआ यस वैसे ये पलट जाता है, यानी कि फोर अपॉन सेवन हो जाएगा, सेवन बन जा सेवन और सेवन बन जा सेवन। ओके, ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई, बाकी सब वैसे ही कॉपी कर लेंगे पूरा क्वेश्चन। यहाँ देखिए फोर बन जा फोर एंड वन बन जा वन, यहाँ देखिए अब ये हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करने के लिए देखिए फाइव बन जा फाइव, फाइव बन जा फाइव, टू बन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। ओके, इसकी टेबल इसमें पड़ी है और इसकी टेबल इसमें, ठीक है। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करा लेंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में और डिनोमेटर के डिनोमेटर में, ठीक है। वन बन जा वन, थ्री बन जा थ्री, प्लस ये है फोर अपॉन वन। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, फाइव टू जा टेन एंड वन इलेवन अपॉन टू, माइनस इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ देखो डिनोमेटर डिफरेंट है, यहाँ पर डिनोमेटर थ्री है, यहाँ पर डिनोमेटर वन है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, थ्री बन जा थ्री। ओके, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो वन वन जा वन और थ्री फोर जा ट्वेल्व। ओके, चलिए तो इलेवन अपॉन टू माइनस, यहाँ कितना आया है आंसर इसका, ट्वेल्व और वन कितना हुआ थर्टीन, और यहाँ पर अपॉन में थ्री। ओके, तो अब ये सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन कर दीजिए, ये है इलेवन अपॉन टू, ये माइनस थर्टीन अपॉन थ्री। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हैं, तो सेम जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक लंबी लाइन खींचेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी, यानी थ्री टू जै सिक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इधर इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री, बीच में जो भी साइन है वो बीच में, और टू थर्टीन जा या थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स, माइनस कर दीजिए। थर्टी थ्री में से ट्वेंटी सिक्स को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सेवन अपॉन सिक्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर। इलेवन अपॉन थर्टीन डिवाइड बाई टू अपॉन सेवन ब्रैकेट क्लोज ऑफ सेवन होल एंड सेवन बाई ट्वेल्व माइनस वन होल एंड थ्री बाई फाइव। ओके, चलिए इसको भी देखते हैं। रूल आपको हमेशा याद रखना है बॉड मास के, बिफोर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में जो भी होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह इलेवन अपॉन थर्टीन डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा सेवन अपॉन टू। ओके, और बाकी का क्वेश्चन हम वैसे ही लिख देंगे, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्वेल्व सेवन जा एट्टी फोर, एट्टी फोर में सेवन ऐड करिए, कितना हो जाएगा नाइन्टी वन, माइनस इसको फाइव बन जा फाइव एंड थ्री, एट अपॉन फाइव। यहाँ देखिए कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर इलेवन और सेवन से थर्टीन और टू डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे। इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन अपॉन थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स। ओके, ये ऑफ है, ये जो ऑफ होता है ऑफ को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ऑफ को चेंज करके लिखिए मल्टीप्लाई, और जो भी आपका आंसर आया इसको लिखेंगे, ठीक है। अब जो भी जिससे डिवाइड होगा उससे उसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर थर्टीन, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टीन सेवन जा नाइन्टी वन, थर्टीन से ट्वेंटी सिक्स और नाइन्टी वन डिवाइड हो रहा था, तो हमने थर्टीन से दोनों को डिवाइड कर दिया है। ओके, और ये है माइनस एट अपॉन फाइव। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे, तो सेवनटीन इंटू सेवन ये इसका न्यूमरेटर होगा, और ट्वेल्व इंटू टू ये इसका डिनोमिनेटर होगा, और माइनस एट अपॉन फाइव मल्टीप्लाई करा लीजिए। सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, कैरी आया फोर, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एंड फोर एट्टी थ्री, ओ सॉरी फिफ्टी थ्री, फोर्टी नाइन एंड फोर कितना हो गया फिफ्टी थ्री हो गया, ये हो गया फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन अपॉन ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ये माइनस एट अपॉन फाइव। अब यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमको लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ट्वेंटी फोर इंटू फाइव, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस में, यानी फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन इंटू फाइव, और बीच में जो साइन है वो बीच में, और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर, यानी कि ट्वेंटी फोर इंटू एट। अब इसको हम रफ में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तो ये है यहाँ लाइन खींचिए ऐसे, और यहाँ पर लिखिए आपका रफ वर्क, फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन इंटू फाइव, तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, कैरी हो गया फोर, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन एंड फोर नाइनटीन, कैरी हुआ वन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी फोर इंटू एट इसका भी देख लेंगे आंसर, एट फोर जा थर्टी टू ये थ्री, एट टू जै सिक्सटीन एंड थ्री नाइनटीन। अब इसके आंसर में से आपको इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, टू सिक्स नाइन फाइव एंड वन नाइन टू माइनस करिए, फाइव माइनस टू थ्री, नाइन माइनस नाइन जीरो, सिक्स माइनस वन फाइव एंड ये टू, टू फाइव जीरो थ्री, टू फाइव जीरो थ्री अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई, ट्वेंटी फोर फाइव जा वन हंड्रेड ट्वेंटी। ओके, तो अब आपको वन हंड्रेड ट्वेंटी से इसकी
डिवाइड करा के आप आंसर लिख सकते हो या आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो इसमें ब्रैकेट हमको सबसे पहले सॉल्व करनी है, लेकिन ब्रैकेट में भी कौन सी जो सबसे छोटी होगी, तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट सबसे छोटी है। ओके, यहाँ पर देखिए ये तीन नंबर जो हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, इनको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है, सबसे पहला काम यही होगा। तो 4 2 8, 8 n 1 कितना हुआ 9, 9/2। ओके, इसको देखिए 4 1 4 एंड 1 5, ये 5/4 हो गया। 4 2 8, 8 and 3 11, ये 11/4। इनके सबके साइन इनके आगे लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही लगा दीजिए और इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, इतना काम आपको करना है, इसको अभी ऐसे ही रखिए, इसको भी ऐसे ही रखिए, पूरा क्वेश्चन वैसे ही कॉपी कर दीजिए। 7 whole and 1/2। ओके, यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 5/4 है, यहाँ 11/4 है, यहाँ 9/2 है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो या तो हम एलसीएम लेकर के तीनों का डिनोमिनेटर सेम करें, या दूसरी ट्रिक है यहाँ पर 4 है तो हमें ऊपर यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, और हमने क्योंकि नीचे अपने आप मल्टीप्लाई कराया है इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, ये रूल आप याद रखिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9 2 जा 18/4, और ये प्लस, ये 5/4, और ये माइनस 11/4। ओके, यहाँ हमको 4 बनाना था इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या बन गया 9/2 से क्या हो गया 18/4। क्यों किया, तीनों डिनोमिनेटर को 4 करने के लिए। ओके, और कोई इसका लॉजिक नहीं था। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी हो गया है। यहाँ देखिए इसको भी सॉल्व कर लो आप, 4 2 जा 8, 8 n 1 9, ये 9/4 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज करिए इधर से, ये माइनस, ये 2 2 जा 4 and 1 5, ये 5/2 हुआ है, ये माइनस, 2 7 जा 14 and 1 15, ये हो गया 15/2। ओके, ध्यान से देखना, हमको अभी इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखो तीनों डिनोमिनेटर 4 हैं तो यहाँ पर आप लंबी लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए 4। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर में सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, यहाँ देखिए 18 + 5 - 11। ओके, ये आप नॉर्मल कर सकते हैं, ये 5/2 और ये प्लस 9/4, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, और ऐसे ही ये 15/2 पूरा पूरा वैसे ही लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 18 में पहले कितना ऐड करना है 5, उसके बाद हम 11 माइनस करेंगे इन दोनों का जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ हम रफ करते हैं, 18 में 5 ऐड करते हैं कितना होगा 23। अब 23 में से हमको 11 माइनस कर देना है, तो माइनस करिए आंसर कितना आएगा, ये 2 और ये 1 यानी कि 12। इस ब्रैकेट का आंसर ऊपर कितना आया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 और ये अपॉन में 4। अब जब ये सॉल्व हो गया तो ये वाली ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, ये हट जाएगी यानी कि ओपन हो जाएगी, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले क्या था माइनस, ये 5/2। ओके, और ये प्लस का 9/4। देखिए फिर से वही सेम कंडीशन हमारे सामने आ गई है, कंडीशन क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम 4 बना सकते हैं। इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ओके, तो यहाँ फिर से इसको लिखिए, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 4 5 2 जा 10। ओके, इसको बाकी सब वैसे ही कॉपी कर देंगे, ये 9/4, ये माइनस, और ये हो गया 15/2। ओके, अब ये नॉर्मल इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 और ये हुआ 10, ये हुआ माइनस का 12 और ये प्लस का 9। ओके, ये ब्रैकेट को क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये माइनस लगाएंगे, ये 15/2 यहाँ पर लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम अपने रफ में, सबसे पहले क्या करना है, 10 में ऐड करना है हमको 9, तो 10 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, और उसमें से कितना माइनस करना है 12, माइनस कर दो,
नाइनटीन में से टू को, नाइन में से टू को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर सेवन, और वन माइनस वन हो गया ज़ीरो, यानी कि इसका आंसर कितना आया न्यूमरेटर का, सेवन। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सेवन अपॉन फोर, और जब ये सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा, और ये क्या है फिफ्टीन अपॉन टू। देखिए यहाँ पर फोर है, यहाँ पर टू है, इसको फोर बनाने के लिए यानी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी टू से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, तो ये हो गया टू टू जा फोर और फिफ्टीन टू जा थर्टी माइनस सेवन अपॉन फोर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यानी कि थर्टी में से सेवन आप माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा ट्वेंटी थ्री। तो न्यूमरेटर हो गया 23 और डिनोमिनेटर 4 की आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने सॉल्व कर लिया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, छोटी ब्रैकेट में क्या है 6 माइनस 5 प्लस 1। ओके, इसमें क्या करना है, पहले हमको ऐड करना होता है, तो 6 में क्या ऐड करेंगे 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। अब यहाँ पर लिखिए सेवन, सेवन में से कितना माइनस करना है आपको फाइव, तो सेवन में से फाइव माइनस कर देंगे आंसर आएगा टू, यानी कि ये वाली ब्रैकेट आपने सॉल्व कर ली है और इसका आंसर आया है टू। तो इस ब्रैकेट की जगह पे हम लिखेंगे टू और बाहर जो भी साइन है इधर लगाएंगे प्लस, ये थ्री प्लस फोर यानी कि ये फोर प्लस थ्री और ये माइनस का टू। ठीक है, ये माइनस, ये एट, ये बिग ब्रैकेट क्लोज और यहाँ भी। ठीक है, ये माइनस और ये 16, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2 माइनस 2 है ना, ये हमको पास पास मिल गए, तो 2 में से 2 आप माइनस करेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो इस 2 से ये वाला माइनस 2 काट देंगे। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है 3 और 4। ओके, 3 और 4 को क्या करना है, ऐड करना है, तो 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, यहाँ लिखिए 7। अब आपकी कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इससे पहले क्या है माइनस। ठीक है, तो यहाँ लगाइए माइनस और बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही कॉपी कर दीजिए। अब ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इसको ओपन कर लीजिए, ये वो 16 माइनस ये 8, ये माइनस 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 1, इसका आंसर आया 1, ये 16। ओके, ये 16 में 7 माइनस करेंगे आंसर हो गया 15, ये आंसर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हमको बॉडमास रूल याद रखना है। क्या करना है, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को। ठीक है, हमको बॉडमास हमेशा याद रखना है। ओके, ब्रैकेट ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए। देखिए टू थ्री जा टू थ्री जा सिक्स, सिक्स एंड वन सेवन, हो गया सेवन अपॉन टू, ये माइनस टू बन जा टू, टू एंड वन थ्री, ये हो गया थ्री अपॉन टू, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ओके, ये प्लस, अब ये देखिए इसको जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम लिख लेंगे। अब सिक्स के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम वन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इंटू था। ओके, बाकी क्वेश्चन को हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। ओके, यहाँ भी इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए, टू माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई और ये ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू और यहाँ पर नॉर्मली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि सेवन माइनस थ्री। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गई, ये वाला साइन यहाँ आएगा और ये देखिए सिक्स अपॉन वन इंटू वन अपॉन टू। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, सेवन माइनस थ्री कितना हुआ फोर और अपॉन में टू। ओके, और ये वाला प्लस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व करना आपको बताया है। देखिए टू वन जा टू एंड टू थ्री जा सिक्स। ओके, अब देखिए अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो थ्री वन जा थ्री, ये हो गया थ्री अपॉन वन। ओके, ये डिवाइड है, ये टू है, ये डिवाइड है, ये सिक्सटीन है, ये माइनस है, ये टू है, ये इक्वल्स टू है। ओके, चलिए शुरू करते हैं
टू माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई दिस ब्रैकेट फोर अपॉन टू, यानी कि टू की टेबल पढ़िए फोर आ जाए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, इसका आंसर कितना आया टू। ये देखिए थ्री अपॉन वन, अपॉन में वन होता है तो हम नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया थ्री, ये प्लस, ये टू अपॉन वन, अपॉन में वन है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी, ये हो गया टू। ओके इसका आंसर कितना है थ्री प्लस टू, ओके थ्री प्लस टू कितना होता है फाइव, बाकी ये यही रहेगा डिवाइड बाई, ओके डिवाइड बाई, आगे देखिए डिवाइड बाई कितना, ये टू, ओके और ये डिवाइड और ये सिक्सटीन और ये माइनस और ये टू। ओके ध्यान से देखिए हमको क्या करना है, ये डिवाइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस डिवाइड को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यही आपको अगली बार भी करना है, ये वाला नंबर इस टू के अपॉन में आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, अब इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो जब इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये वाला डिवाइड जो है इनटू में चेंज हो जाएगा और ये नंबर पलट जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू। ओके अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में वन होता है, आपको पता है, ठीक है। अब टेबल पढ़िए टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, दैट इज़ क्लियर। अब अपॉन में वन वन आ गया, यहाँ पर हम क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, कराइए तो हो गया टू माइनस एट फाइव जा फोर्टी। ओके अब देखो ये टू है ये फोर्टी है, टू में से फोर्टी माइनस करना है, तो टू में से फोर्टी हम माइनस नहीं कर सकते। अब क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं तो आपको सीखना चाहिए कि हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, तो हम यहाँ फोर्टी में से टू को माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा थर्टी एट। ओके तो हम यहाँ लिख देंगे थर्टी एट, और जो साइन होगा वो बड़े वाले नंबर का होगा, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है फोर्टी, फोर्टी का साइन क्या है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का थर्टी एट, ये आपका आंसर है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर। ओके कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हमको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी होती है, कौन सी, जो सबसे छोटी होती है, तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, एट में वन ऐड करिए कितना हुआ नाइन, और नाइन में से टू माइनस कर दीजिए कितना हो गया सेवन, ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई, इसका आंसर कितना है सेवन, और ये प्लस, ओके ये माइनस का टू और ये थ्री। अब हम ये कर्ली वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन हम वैसे ही लिख देंगे, दैट इज़ क्लियर। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए सेवन भी प्लस का है थ्री भी प्लस का है, सेवन और थ्री कितना हो गया टेन, टेन में से टू माइनस करिए कितना हुआ आंसर एट, आपने कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर ली है जिसका आंसर एट आया है, इससे पहले क्या साइन है प्लस और उससे पहले कौन सा नंबर लिखा है टू, और बाकी जो भी क्वेश्चन जैसे लिखा है कॉपी कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे एट और टू, एट प्लस टू कितना हुआ टेन, टेन और बाहर प्लस है और ये थ्री है, ठीक है इसको ऐड करिए, टेन प्लस थ्री कितना हुआ थर्टीन, आपने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है, फोर राइट एंड वन बाई सेवन माइनस टू राइट एंड टू बाई थ्री डिवाइड बाई वन राइट थ्री बाई फाइव माइनस टू अपॉन थ्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके ध्यान दीजिए इसमें भी हम सबसे छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ओके तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, बाकी हम वैसे ही कॉपी कर देंगे पूरे क्वेश्चन को, तो टू राइट टू बाई थ्री और ये डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए फाइव वन जब फाइव एंड थ्री एट अपॉन फाइव माइनस ये टू अपॉन थ्री ऐसे ही रहेगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जो हम पहले यूज़ करते थे वही ट्रिक यूज़ करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कराइए आपस में, थ्री फाइव जा फिफ्टीन इसको नीचे लिखा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इसकी मल्टीप्लाई इधर कराइए, फाइव टू जा टेन और बीच में जो साइन है उसको यहाँ लगा दीजिए, क्लियर। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया बिना एलसीएम लिए, ठीक है ट्रिक से, बाकी क्वेश्चन आप वैसे ही कॉपी कर देंगे। यहाँ पर ट्वेंटी फोर में से टेन को माइनस करिए, आंसर कितना आया फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, तो अब ये ब्रैकेट हट जाएगी, ये डिवाइड, अब इसको सॉल्व करिए, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एंड टू एट अपॉन थ्री, ओके
अब यहाँ पर ये माइनस, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 7 4 जा 28 एंड 1 29 अपॉन 1 अपॉन ये 7। ओके, यहाँ देखिए ये है 29 अपॉन 7 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है, ये जो डिवाइड है इसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और ये वाला नंबर पलट जाता है, यानी कि 15 अपॉन 14 हो जाता है। ओके, चलिए तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, इसको 4 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। ओके, अब तो कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ बचा है हमारा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ बचा है 29 अपॉन 7 और माइनस इस ब्रैकेट में बचा है 4 × 5 / 1 × 7। ओके, तो 29 अपॉन 7 माइनस 4 5 जा 20 अपॉन 7, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ लिखेंगे सेम, तो 29 माइनस 20 यहाँ पर आ जाएगा, 29 माइनस 20, माइनस करिए 29 माइनस 20 कितना आएगा, 9, ये अपॉन में 7, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया है जिसका आंसर है 9 अपॉन 7। ओके, हमेशा ही बॉड मास याद रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, ऑफ, यहाँ ऑफ है तो हम ऑफ सॉल्व करेंगे सबसे पहले, इसको मिक्स से नॉर्मल में कन्वर्ट करिए, 5 3 15 एंड 2 17 अपॉन 5 प्लस ये 3 अपॉन 2, ये है आपका ऑफ, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4 अपॉन 5 डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ देखिए ये ऑफ हमको सॉल्व करना है, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, अब ये डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन वैसे ही कॉपी करिए, ये 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5, ये डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, ऑफ हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड, ध्यान दीजिएगा डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड कहाँ, इन दोनों के बीच, ये नंबर हम नहीं छुएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 17 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 5, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 और ये इंटू ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, है इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, बाकी मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं कटने वाला, तो 17 अपॉन 5 प्लस 2 4 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ हुआ 16 और नीचे 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ओके, ये माइनस का 3 अपॉन 2। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे एडिशन, तो एडिशन करेंगे तो एडिशन इन दोनों के बीच है तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम है, नॉर्मली हम इनको ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे 5 और ये 17 प्लस 16 और ये नंबर बाद में, यानी कि 3 अपॉन 2, 17 और 16 को ऐड करिए कितना आएगा, 33, यहाँ लिखेंगे हम 33 अपॉन 5, ये माइनस 3 अपॉन 2। अब इसमें से हमको इसे सब्ट्रैक्ट करना है जबकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमने आपको ट्रिक बताई हुई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई, 33 2 जा 66 ये माइनस एंड 5 3 जा 15। ओके, माइनस करिए, 66 में से आप 15 को माइनस करिए, यानी 6 - 5 कितना हुआ, 1, यहाँ पर कितना है 6 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 5, ये कितना है 51 51 अपॉन 10, ये आपका आंसर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर, 2.6 डिवाइड बाय 9.4 माइनस 4.9 माइनस 3.2 डिवाइड बाय 1.6 माइनस 4.8 प्लस 3.5 ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड आल्सो बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसको सॉल्व हम करेंगे कैसे, पहले तो हमको डेसिमल सबका हटाना है, डेसिमल हटाने का तरीका सीखिए।
हमने क्लोज कर दी है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये जो 2.6 था इसमें डेसिमल से पहले कितना नंबर है, 2। इस 2 के जस्ट नीचे हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, यहाँ कितने नंबर है टोटल, एक ही नंबर है जो है 6, तो हम एक ही 0 लगाएंगे। ऐसा हम सभी के साथ करेंगे, 9 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इस नंबर के नीचे 0। ऐसे ही यहाँ 4 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 9 के नीचे 0। यहाँ देखिए 3 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 2 के नीचे 0। ऐसे ही 1 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 के नीचे 0। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ भी 3 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 5 के नीचे 0। इतना करने के बाद आप ये देख रहे हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर ऊपर भी है, पॉइंट के बाद एक नंबर नीचे भी, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, सब जगह आप हटा दीजिए। ये पॉइंट हटाने का तरीका होता है, आई थिंक आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 26/10, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर क्या है 94/10 है, यहाँ पर कितना है 49/10 है, यहाँ 32/10 है, यहाँ 16/10 है, यहाँ 48/10 है, और यहाँ पर 35/10 है। ओके, ये आप सीख चुके हैं। आगे देखिए ध्यान से क्या करना है, हमको सबसे पहले ये छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ये 94/10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 49/10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 32/10 डिवाइड बाई 16/10 माइनस 48/10 और प्लस 35/10, ये ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे छोटी ब्रैकेट है ये, हमको फॉर्मूला लर्न रखना है बॉड मास। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट है सबसे छोटी ये, सबसे पहले ऑफ इसमें नहीं है, क्या है डिवाइड है, तो हम सबसे पहले इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। कर दीजिए डिवाइड को सॉल्व, तो जब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 32/10 ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इनटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/16। ओके, बाकी ऐसे ही रहेगा, माइनस का 48/10 और ये प्लस का 35/10। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, बाहर का 49/10 ये ब्रैकेट, ये माइनस, ये 94/10 ये ब्रैकेट, ये डिवाइड, ये 26/10। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। ओके, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ कितना आया 2 1 जा 2 अपॉन 1 1 जा 1। ओके, माइनस ये 48/10 है, 48/10 और ये प्लस 35/10। ओके, ये ब्रैकेट हो गई क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, माइनस 49/10 ये माइनस, ये 94/10 ये आपका डिवाइड है, ये 26/10 और ये डिवाइड। ठीक है, इसको हम यहाँ देखेंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसको 10 करने के लिए हमको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तीनों जगह 10 हो गया, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 10। ठीक है, ऊपर देखिए 10 2 जा 20, यहाँ 20 हुआ, ये माइनस का 48। ओके, ये प्लस का 35। ओके, ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस ये 49/10। ओके, ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस, ये 94/10 और ये डिवाइड और ये 26/10। ओके, ये 26/10 ऐसे ही लिखो, ये डिवाइड ऐसे ही लिखो, ये 94/10 ऐसे ही लिखो, ये माइनस, ये 49/10 ऐसे ही लिखो। अब माइनस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो 20 भी प्लस का है, 35 भी प्लस का है, इन दोनों को प्लस करो, तो 35 और 20 को प्लस करेंगे तो ये हुआ 5 और ये 5, यानी 55। इसका आंसर, इन दोनों का आंसर कितना आया, 55।
में से कितना माइनस करना है, 48। तो 55 में से 48 आप माइनस कर दो, तो 15 माइनस 8 कितना है आंसर, 7। यहाँ पर आंसर आया 7, यहाँ लिखेंगे हम 7। ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट में न्यूमरेटर का आंसर कितना आया, 7, और अपॉन में कितना है, 10। ओके, ये सॉल्व हो गए ब्रैकेट, यहाँ कितना आया, 7/10। इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर हम नॉर्मली माइनस करेंगे। यहाँ खींचिए लंबी लाइन, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 49 माइनस 7। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, ये माइनस, ये 94/10। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब ये फिनिश हो गया। देखिए 49 में से 7 माइनस करिए, यानी कि 49 इसमें से 7 माइनस करिए, आ गया 42, यहाँ आंसर आया 42। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 42/10। ओके, ये ये सॉल्व हो गया, तो अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, यहाँ है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। अब ये है 94/10 और ये बिग ब्रैकेट, अब बिग ब्रैकेट के बाद क्या है, 9 डिवाइड, और ये 26/10। ओके, ये लिख लिया हमने। अब हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जब ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे, ये पहले लिख लेते हैं बाहर वाला 26/10, ये डिवाइड। ओके, अब ये इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लंबी लाइन खींचा हमने, यहाँ कितना है डिनोमिनेटर, 10 है, और ऊपर 94 माइनस 42 आएगा। ठीक है, तो 94 माइनस 42 माइनस कर लीजिए, 4 माइनस 2 2 आया, और 9 माइनस 4 कितना है, 5, ये कितना है, 52/10। ओके, अब आपको पता है डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 26/10 इंटू, ये वाला पलट जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा, 52 नीचे हो जाएगा, तो 10 वन जा 10 और 10 वन जा 10 हो गया, 26 वन जा 26, 26 टू जा 52, इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1 वन जा 1/2। ओके, देखिए आंसर आएगा 1 वन जा 1/2। ओके, दैट इज़ योर आंसर। यह आपने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया है। इसमें मेन क्या था, आपको स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है सबसे पहले, फिर सारी ब्रैकेट अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व होती चली जाएंगी। मेन फोकस कहाँ करना है, स्मॉल ब्रैकेट पे, सबसे छोटे ब्रैकेट पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो बिल्कुल सेम है इसी की तरह। 8.8 डिवाइड बाई 0.5 ऑफ 15 माइनस 6.2 डिवाइड बाय 2 माइनस 8.4 माइनस 7.6। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट 8.4 माइनस 7.6। ठीक है, अब हम डेसिमल वाला दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी डेसिमल वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.4 लिखेंगे, क्योंकि हमको 8.4 में से 7.6 माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट में जो भी नंबर होगा उसको लिखेंगे, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, और राइट वाला राइट में लिखेंगे, ठीक है, और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, ठीक है। ये राइट वाला हो गया, अब लेफ्ट वाला लिखेंगे 7। इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 6 माइनस होगा नहीं, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ बचा 7। ठीक है, 7 माइनस 7 कितना हुआ, 0, ये डेसिमल का डेसिमल और ये 0, कितना है 0.7। इस ब्रैकेट का आंसर कितना आया, 0.7। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इसके बाहर क्या है, माइनस, और ये क्या है, 6.2 डिवाइड बाई 2, 6.2 डिवाइड बाई 2। ओके, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी, ये माइनस, ये 0.5 ऑफ 15 और ये 8.8 डिवाइड बाई, ध्यान दीजिए। अब हमको ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड हम पहले सॉल्व करेंगे, 2 से 6.2 को डिवाइड करेंगे,
टू से 6.2 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, अब ये पॉइंट है ठीक है, ये 6 में से 6 गया, 0 कुछ नहीं बचा, ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब ये 2 यहाँ कॉपी होगा तो 2 बन जा 2, ओके ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, आंसर कितना है 3.1। यहाँ लिखेंगे 3.1 माइनस ये क्या है 0.7, आपने ऐड करना सीख लिया, ओ सॉरी अब इसको भी माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 3.1 में से आप माइनस करिए 0.7 ठीक है, 3.1 में से 0.7 हम माइनस करेंगे, यहाँ इसको कैरी देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 7 कितना हुआ 4, ये डेसिमल का डेसिमल, यह कितना बचा 2, 2 माइनस 0 2, आंसर कितना आया इस ब्रैकेट का 2.4, ये माइनस। अब हमको ये ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 0.5 × 15 ओके, ये 8.8 डिवाइड बाई, आप देखिए 15 की टेबल पढ़िए, अब हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, तो 15 की मल्टीप्लाई कराना है 0.5 में ठीक है, कैसे कराएंगे तो 15 × 5 = 75, अब आप ये देखिए कि डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा है, इधर से काउंट करिए 1 है ना, 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल हम आंसर में भी लगा देंगे, इसका आंसर कितना आएगा 7.5, यहाँ लिखेंगे हम 7.5 माइनस 2.4 और ये क्या है डिवाइड बाई, ये है 8.8 ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 7.5 माइनस 2.4, तो 7.5 में से आपको 2.4 माइनस कर देना है, माइनस करिए 5 माइनस 4 1 हुआ ये पॉइंट, 7 माइनस 2 कितना हुआ 5 ओके, कितना आया 5.1 आया, तो इसका आंसर आया है आपका 5.1 ओके, और इसका आंसर है 8.8 ओके, डिवाइड है तो इसको कैसे करेंगे 8.8 डिवाइड बाई 5.1, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है और एक नंबर ही यहाँ है, तो इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 88/51। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो हमने आपको दूसरे मेथड से बताया था, दूसरा मेथड ये है ठीक है, दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, माइनस 3.4 माइनस 3.3 प्लस 7 × 3.7 डिवाइड बाई 9.11